ये स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्रायोरिटी एनकोडर। देखो नाम से ही पता लग रहा है, जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों में मुझे कोई पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करना है तो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर लेट से दो या दो से ज्यादा डिवाइस ने इंटरप्ट के लिए भेजा तो प्रोसेसर किसको पहले सिलेक्ट करेगा, किसके इंटरप्ट को पहले सिलेक्ट करेगा, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस ने राउटर के ऊपर अपना डेटा पैकेट भेजा, पहले किसको फॉरवर्ड करना है, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस आए, सीपीयू पहले किसको शेड्यूल करेगा, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। तो वही चीज यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी एनकोडर में जनरली होता क्या है कि हम प्रायोरिटी के बेसिस पे आउटपुट जो है वो देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एनकोडर के अंदर हमारे पास क्या होता है कॉन्सेप्ट। नॉर्मल एनकोडर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, एनकोडर इज व्हाट, इट इज अ 2^n डिवाइस। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 2^n है। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2^2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो यानी 4 इनपुट्स और आउटपुट कितनी हो गई, 2। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट एनकोडर का है। अब देखो यहां पे अगर लेट्स से मेरी यहां पे वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में चारों अगर 0000 है और लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे डी नोट की वैल्यू को 1 कर देता हूं और बाकियों को 0 कर देता हूं, बड़ा ध्यान से सुनो, अगर मैं चारों इनपुट को 0 कर देता हूं तो आउटपुट इस केस में क्या आएगी, एक तरह से 0 ही आई। और अगर लेट्स सपोज मैं D1 को, ये जो D नॉट है इसको 1 कर देता हूं, बाकियों को 0-0 कर देता हूं, तब भी मेरी आउटपुट क्या आएगी, 0-0 आएगी। तो यहां पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। तो प्रायोरिटी एनकोडर में सबसे पहले क्या किया, यहां पे एक और मेरे पास आउटपुट जो है वो क्या है, V, दैट इज अ वैलिड आउटपुट। वैलिड आउटपुट का मतलब क्या है कि अगर लेट्स सपोज चारों इनपुट ही 0-0 है और यहां पे 1 है बाकी 0 है, तो दोनों के केस में आउटपुट सेम आ रही थी। तो अब इन्होंने इस चीज को हटा दिया, अगर चारों इनपुट मेरी 0 है तो यहां पे वैलिड जो है वो क्या हो जाएगी, 0। तो देखो यहां पे मेरे पास क्या आता है, 0000। तो यहां पे हम लोग इस केस में ए या बी पे जो मर्जी आए हम उसको कंसीडर ही नहीं करते, मतलब ये एक तरह से आपकी डोंट केयर की तरह आती है और वी की वैल्यू 0 है। बाकी के सारे केसेस में वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मतलब वैलिड है। तो अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहां पे डी नॉट की वैल्यू 1 है, बाकी अगर 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, आउटपुट जो है वो 0-0 देते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं इसको। अगर लेट्स सपोज मेरा D1 की वैल्यू 1 है और बाकी लेट्स सपोज 0-0 है, तो मैं क्या करता हूं यहां पे इस केस में 0-1। अगर मैं लेट्स सपोज I2 को 1 कर दूं, यहां पे इस वाले को 1 कर दूं, तो यहां पे आउटपुट मेरी क्या आ जाती है, 1-0, और लास्ट केस में मेरे पास 1-1। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज को, लेकिन यहां पे मेरे पास मेन प्रायोरिटी में एक और चीज मेन जो आती है वो यही है कि अगर ऐसा है कि दो इनपुट अगर 1-1 हो जाए, मतलब लेट्स सपोज D1 भी 1 हो जाए और D2 भी 1 हो जाए, तो उस केस में क्या करना है, मतलब दो इनपुट अगर 1 हो गई तो एनकोडर तो बौखला जाएगा, एंड सिंपल एनकोडर तो बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं इस केस में क्या करना है। लेकिन प्रायोरिटी एनकोडर क्या कहता है कि अगर दो इनपुट भी मेरी 1 आ जाती हैं तो मैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी किसको उठाऊंगा, जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी। अब प्रायोरिटी कैसे डिफाइन होती है, ये देखो जी, ये मेरे पास क्या है, डी नॉट इनपुट है, या आई नॉट भी बोल सकते हो, जैसे यहां पे आपको आई नॉट आई वन है, आप आई नॉट कह लो, और ये मेरी जो है वो आई थ्री कह लो या फिर डी थ्री कह लो। तो ये वैल्यू बड़ी है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, मतलब डी थ्री की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर डी टू की है, फिर डी वन की है और फिर डी नॉट की है। तो यहां पे आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता लग गया कि अगर लेट्स सपोज डी वन की वैल्यू मेरी 1 है और D2 की भी वैल्यू 1 है, तो मैं आउटपुट किसके बेसिस पे दूंगा, D2 के बेसिस पे दूंगा, जहां पे मेरे पास I2 की वैल्यू जो है वो 1 है। मतलब मैं ये आउटपुट जनरेट करूंगा, इस वाली को नहीं करूंगा, क्योंकि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, D2 की ज्यादा है। और अगर लेट्स सपोज मैं यही बात करूं कि लेट्स पे मेरे पास यहां पे डी नॉट की वैल्यू 0 है, D1 की वैल्यू 0 है और D2 की वैल्यू 1 है, D3 की वैल्यू 1 है, तो मैं किसकी वैल्यू जो है आउटपुट कैसे जनरेट करूंगा, बेस्ड ऑन D3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मैं आउटपुट ये वाली दे दूंगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे ये नॉर्मल एनकोडर का जो ट्रुथ टेबल था, यहां पे बस थोड़ा सा चेंज आपको क्या करना है, ये 0000 के केस में तो हम डोंट केयर की तरह है, क्योंकि वैलिड जो है वो 0 है। बाकी के केस में देखो 0001, यहां पे क्या आ गया, आउटपुट आपकी 00 आ गई, ठीक है। लेकिन अगर 0010, यहीं पे मेन दिक्कत थी कि अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू 0 है तब तो ठीक है, मेरे आउटपुट 01 आ जाएगी। अगर लेट्स सपोज ये वाली वैल्यू मेरी 0 की जगह क्या होती है, 1 होती है, तब नॉर्मल एनकोडर बोलेगा ही नहीं कुछ, वो बताएगा ही नहीं कुछ। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, प्रायोरिटी एनकोडर कहता है हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे वैल्यू 0 हो
चाहे वैल्यू 1 हो, डोंट केयर. क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 भी होती है तब भी इसके हाई प्रायोरिटी वाला 1 है तो आउटपुट यही आएगी. तो इसको आप x मान लो डोंट केयर की तरह. ऐसे ही नेक्स्ट केस में ध्यान से देखो, अगर ये 1 हो जाती है, ये 1 हो जाती है तो नॉर्मल एनकोडर तो फंस जाएगा. मल्टीपल इनपुट 1 होगी तो नॉर्मल एनकोडर बोलेगा मुझे नहीं पता. लेकिन यहां पे देखो, अगर ये 1 हो जाती है या ये भी 1 हो जाती है तब भी ये बोलेगा कि हाईएस्ट कौन सा है, I नॉट वाला 1 है, तो यानी मैं यही आउटपुट दूंगा. तो यानी इससे कोई मैटर ही नहीं करता, तो इसको आप क्रॉस कर दो. ऐसे ही आपका लास्ट केस आ जाता है, अगर हाईएस्ट ये आपकी D3 या I3 अगर 1 है तो बाकी चाहे 1 भी हो जाए तब भी आउटपुट यही देगा. तो यानी ये भी आपका एक तरह से डोंट केयर वाला आ गया. बस यही कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी में कि मल्टीपल इनपुट अगर 1 हो जाए तो नॉर्मल एनकोडर आंसर नहीं दे पाता था, लेकिन प्रायोरिटी एनकोडर बेस्ड ऑन हाई प्रायोरिटी आउटपुट दे देगा. दैट्स इट. इसको आप नोट कर लेना, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है. थैंक यू.